नारगोन कराबाख में डबल युद्ध शुरू, ऐसा क्यों कहा जा रहा है, अब ये आपको बताते हैं। दरअसल अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध शुरू हुआ और अब भी खतरनाक दौर में ये पहुंच चुका है। अब रूस ने नारगोन कराबाख में अपने हजारों सैनिक भेजकर अमेरिका को खुला चैलेंज, खुली चुनौती दे दी है। अर्मेनिया को बचाने के लिए इस वक्त अमेरिका के स्पेशल कमांडोज पहुंच चुके हैं। ऐसे हालात में अब रूस और अमेरिका के बीच सीधे युद्ध का खतरा नजर आने लगा है। नागोर्नो काराबाख में डबल युद्ध शुरू। लगता है अजरबैजान और आर्मेनिया की जंग अब रूस और अमेरिका की जंग में बदलती जा रही है। एक तरफ अमेरिका के सैकड़ों सैनिक आर्मेनिया पहुंच चुके हैं तो वहीं दूसरी तरफ अजरबैजान के कब्जे वाले नागोर्नो काराबाख में रूस के सैकड़ों सैनिक लड़ाकू बख्तरबंद वाहन और भारी हथियारों के साथ पहुंच गए हैं। इस वक्त पूरे नागोर्नो काराबाख में कब्रिस्तान जैसा सन्नाटा हो चुका है। डिफेंस एक्सपर्ट के मुताबिक नागोर्नो काराबाख में डबल युद्ध शुरू हो चुका है। हम आपको आगे बताएंगे कि क्यों ईसाई बाहुल्य आबादी वाले आर्मेनिया को बचाने के लिए अमेरिका आगे आया है। साथ ही हम आपको ये बताएंगे कि क्यों 96% मुस्लिम आबादी वाले अजरबैजान को बचाने के लिए रूस एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि अजरबैजान के कब्जे में मौजूद नागोर्नो काराबाख में रूस की सेना क्यों पहुंची है और आर्मेनिया से रूस नाराज क्यों है। पश्चिमी मीडिया की खबरों के मुताबिक अमेरिका जिस तरह से आर्मेनिया की सेना की मदद कर रहा है उससे रूस बुरी तरह से भड़क गया है। अमेरिकी पाले में गए आर्मेनिया के फैसले के बाद अब रूस ने अजरबैजान की मदद करने के लिए नागोर्नो काराबाख में अपने 5,000 सैनिकों को भेज दिया है। दावे के मुताबिक नागोर्नो काराबाख में रूस के लड़ाकू बख्तरबंद वाहन पूरे नागोर्नो काराबाख इलाके में गश्त कर रहे हैं। भारी हथियारों और सैनिकों की टुकड़ियों ने एक तरह से पूरे नागोर्नो काराबाख पर कब्जा कर लिया है ताकि आर्मेनिया अमेरिका की मदद से कहीं नागोर्नो काराबाख में हमला न कर पाए। हालांकि डिफेंस एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि आर्मेनिया इतना ज्यादा कमजोर हो चुका है कि वो नागोर्नो काराबाख पर कब्जा नहीं कर पाएगा। लेकिन उसके बावजूद रूस ने नागोर्नो काराबाख में हजारों सैनिकों को भेज दिया है। दावा यह भी किया जा रहा है कि रूस इसलिए भी आर्मेनिया से नाराज है कि उसने नागोर्नो काराबाख के मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी आईसीसी में ले जाने का फैसला किया है। ये वही आईसीसी है जहां से रूस के राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ यूक्रेन में युद्ध अपराध को लेकर गिरफ्तारी वारंट निकाला जा चुका है। На территории Армении организована эвакуация более 98 тысяч мирных жителей, в том числе около 32 тысяч детей. По Агдамскому и Лачинскому маршрутам обеспечена доставка почти 300 тонн гуманитарных грузов. चार हजार 400 किलोमीटर में फैला नागोर्नो काराबाख का इलाका इस वक्त भीषण जंग की चपेट में है। अमेरिका को भी एहसास हो चुका है कि अजरबैजान नागोर्नो काराबाख में रहने वाले ईसाइयों का पूरी तरह से सफाया कर सकता है। अजरबैजान में ज्यादातर आबादी इस्लाम धर्म को मानने वाली है। यही वजह है कि अजरबैजान एक धर्मनिरपेक्ष देश होने के बावजूद नागोर्नो काराबाख के ईसाइयों का भरोसा जीत नहीं पा रहा है। नागोर्नो काराबाख की ईसाई आबादी आर्मेनिया को अपना देश मानती है जबकि जमीन पर कब्जा अजरबैजान का है। अब ऐसे हालात में हारते और मरते आर्मेनिया को बचाने के लिए अमेरिका कूद पड़ा है।
क्योंकि रूस ने अंदर ही अंदर अजरबैजान के भीषण हमले को हरी झंडी दे रखी है। इसलिए अब अमेरिका जबरदस्त हथियारों के साथ आर्मेनिया का साथ देने लगा है। जरा देखिए अमेरिका कैसे आर्मेनिया का जंग में साथ दे रहा है। अजरबैजान वर्सेस आर्मेनिया, रूस वर्सेस अमेरिका। अजरबैजान से खतरे का सामना कर रहे आर्मेनिया को बचाने के लिए अब खुलकर अमेरिका सामने आ गया है। अमेरिकी सेना ने आर्मेनिया की सेना के साथ ईगल पार्टनर ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू कर दी है। लगभग 175 आर्मेनिया के टॉप कमांडर और सैनिकों को अमेरिका ने ट्रेनिंग देना भी शुरू कर दिया है। अमेरिकी सेना के 85 सैनिक इस वक्त आर्मेनिया में मौजूद है। अमेरिकी सैनिक पहली ब्रिगेड, 101 एयरबोर्न डिवीजन और कैंसस नेशनल गार्ड की सेना आर्मेनिया पहुंच चुकी है। आर्मेनिया की 12वीं शांति सेना ब्रिगेड के सैनिक अमेरिकी सेना के साथ युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। Ղարաբաղի հայության ելքը ադրբեջանի կողմից իրագործվող էթնիկ զտումների քաղաքականության արդյունքում շարունակվում է։ Վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ առաջիկա օրերին Լեռնային Ղարաբաղում այլևս հայ չի մնա։ Սա էթնիկ զտման և հայրենազրկման ուղղակի ակտ է և այն, ինչի մասին մենք երկար ժամանակ ահազանգում էինք միջազգային հանրությանը։ इस वक्त अजरबैजान की स्पेशल फोर्स, कमांडो बटालियन, टैंक, तोप और रॉकेट फोर्स ने पूरे नागोर्नो काराबाख में भयानक कत्लेआम मचा रखा है। रूस की चुप्पी से हालात ये हो गए हैं कि ईसाई देश आर्मेनिया इस वक्त खून के आंसू रो रहा है। इधर मरते पिटते और भागते आर्मेनिया की दुर्दशा देखकर अब खुद अमेरिका जंग में कूद पड़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त नागोर्नो काराबाख की 80% से ज्यादा आबादी इलाका छोड़कर भाग चुकी है।